हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या है? H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए ऑप्शन। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is used to create web pages and web applications. HTML का हम use करते हैं create करने के लिए web pages को और web applications को। Next question is, which of the following element is responsible for making the text bold in HTML? HTML में हम किस टैग का हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए? बी ऑप्शन, बी टैग। द बी बोल्ड टैग इन HTML इज यूज टू डिस्प्ले द रिटन टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML? किस टैग का हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए लाइन ब्रेक को HTML में? आंसर इज सी ऑप्शन, BR टैग। BR टैग का हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए लाइन ब्रेक को HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML? HTML में हम इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर है बी ऑप्शन, एंगल ब्रैकेट IMG SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इमेज की लोकेशन आएगी, फिर बैक स्लैश और एंगल ब्रैकेट से क्लोज। IMG and SRC एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द वेब पेज। SRC सोर्स की हमारी इमेज जो है वो कहाँ पर है। द इमेज टैग एंड SRC एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। करेक्ट सीक्वेंस क्या है HTML का स्टार्ट करने के लिए वेब पेज को? सीक्वेंस है HTML, हेड, टाइटल, देन बॉडी। सी ऑप्शन, HTML, हेड, टाइटल, फिर बॉडी। द HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद HTML टैग एंड एंड विद HTML टैग। हेड टैग इज द HTML डॉक्यूमेंट हेडर। टाइटल टैग हैज टू बी गिवन विद इन द हेड टैग। द बॉडी टैग कंटेन्स द टेक्स्ट विच गेट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज अलॉन्ग विद द अदर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज HTML, हेड, टाइटल, फिर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? HTML में लार्जेस्ट हेडिंग को इंसर्ट कराने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? आंसर इज बी ऑप्शन, H1 टैग। The H1 tag is used to insert the main heading or the highest level heading. Next question is, how to create an unordered list, a list with the list items in bullets in HTML? HTML में unordered list को create करने के लिए हम किस tag का use करते हैं? A list with the list items in bullets. Answer is A option, UL tag. The UL tag in HTML is used to display the list items in bullet format. The unordered list is used when the list of items are not to be displayed in any particular order. जब हमें list of items को किसी particular order में नहीं display कराना होता, तब हम unordered list का जो है वो use करते हैं. Next question is, how to create a check बॉक्स इन HTML? HTML में हम चेक बॉक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आंसर इज बी ऑप्शन,
एंगल ब्रैकेट इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे चेक बॉक्स, फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज करोगे. टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML वी हैव टू यूज द इनपुट टैग एंड गिव द वैल्यू चेक बॉक्स टू इट्स टाइप एट्रीब्यूट. तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं चेक बॉक्स को HTML में? टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML वी हैव टू यूज द इनपुट टैग एंड गिव द वैल्यू चेक बॉक्स टू इट्स टाइप एट्रीब्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन. HTML टैग्स जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं एंगल ब्रैकेट्स में, सी ऑप्शन, दिस एंड दिस. ऑल HTML टैग्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एड रोज इन द टेबल. किस टैग का हम यूज करते हैं एड कराने के लिए रोज को टेबल में? आंसर इज टीयर टैग एंड टीयर क्लोजिंग टैग. द टीयर टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन द रोज इन द टेबल. इट कैन कंसिस्ट वन और मोर. TH टैग यानी कि हेड सेल्स एंड TD टैग यानी कि डेटा सेल्स. टू डिफाइन अ सिंगल रो ऑफ HTML टेबल द TR एंड TR क्लोजिंग टैग इज यूज टू डिफाइन द रोज इन द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज How to create an order list, a list within the list items in numbers in HTML. HTML में हम order list को कैसे create कर सकते हैं, किस tag के साथ create कर सकते हैं? Answer is B option, OL tag. The order list is used to display the list of items in a specific order. जब हमें list of items को एक specific order में create करना हो उस केस में हम ऑर्डर लिस्ट का जो है वो यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैग्स इन HTML आर. HTML में टैग्स कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं या इन लोअर केस में होते हैं या नॉट केस सेंसिटिव या नन ऑफ दिस. द टैग्स इन HTML आर नॉट केस सेंसिटिव, सी ऑप्शन. HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज विच मीन्स वी कैन यूज tags either in the upper case or in lower case. The tags in HTML are not case sensitive. तो ये थे questions based on HTML. I hope आपको ये video अच्छी लगी हो. तो please channel को like, share and subscribe करना. Thanks for watching.